सुरजीत ठाकर साहब कदे देखें ये गुजरां नाल पुज्जे आवे कदे देखो तो पहाड़ियों नाल लुंगी बधी है हर जगह ये पुज्जे और आज इन्हें ना भी पूछूंगा कि आखिर ये इस मामला में के इन्हें ना सिर्फ सियासत चमकानी है या फिर ये किसी अच्छा तरीका के नाल इस चीज़ ना समझें या देखें कि वाकई यह चीज़ है या स्टेटस किसना मिलना चाहिए और इसको हकदार कौन है। सुरजीत साहब थरवाबाद जित 6 लाख या 8 लाख सालाना जिसकी इनकम है उसना एसटी बिल्कुल भी ना दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम थारी खिदमत में हूँ ज़हीर गोरसी ते आज थारे सामने एक खास रिपोर्ट लेकर हाजिर हाँ क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर में गुजर कबीला का लोग लगातार जरा है वे हड़ताल भरे और लगातार हड़ताल करता है और इसके पीछे वो मकसद साफ ही हुई है कि जीडी कमीशन की जी रिपोर्ट गई थी वह गलत है और वह यह चीज़ कहे कि गुजर कबीला का लोगों की जी एसटी है वह किस हद तक ठीक है या नहीं है इसी चीज़ ना मद्देनजर रखता माँ इस वक्त पूरा जम्मू कश्मीर में इस वक्त जड़ाई में हड़ताल चल रही है। अगर हम दूसरी तरफ ही गल करें तो पहाड़ी कबीला के लोग जड़ा है वे भी अपनी मांग ना ले गए सरकार को पूजे भी हैं मारा नाल मारा बकोरी का लोकल एक्टिविस्ट हैं सुरजीत ठाकर साहब कदे देखें तो ये गुजरां नाल पूजे हमें कदे देखो तो पहाड़ियों नाल लुंगी बधी है हर जगह ये पूजे और आज इन्हें भी पूछूंगा कि आखिर ये इस मामला में के इन्हें सिर्फ सियासत चमकानी है या फिर ये किसी अच्छा तरीका के नाल इस चीज़ ना समझें या देखें कि वाकई यह चीज़ है या स्टेटस किसना मिलना चाहिए और इसको हकदार कौन है। सुरजीत साहब थरवाबाद उर्दू न्यूज़ में खैर मकदम है बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो थारा कलू यह जानना चाहूँ कि तम सिर्फ लुंगी बात या कदे इंगा कदे उंगा जे या फिर तम यह चीज़ हकीकत में समझिए वो स्टेटस वो हकदार असली कौन है। देखिए असली जो स्टेटस को हकदार है वो गरीब बंदो है जो पिछड़े वो है जो एस टी को महत्व ही यही थो लेकिन आज जो एस टी को मजो लिया करें वह करोड़पतिया लिया करें ना के गरीब बंदा ना वह उठन दे। देखिए जो एस टी को स्टेट शेड्यूल ट्राइब स्टेटस है यो मारा गरीब लोगों वास्ते बनायो तो गवर्नमेंट ने लेकिन आज ये दितो भी है गरीबा ने तो ना की तकलीफ। देखो गरीब लोग उते आया करूं गरीब लोग जड़ा है जेड़ो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस है वो मारा गरीब लोगों वास्ते बनयो तो आज अगर जड़ा बड़ा बंदा बन गया हूं थारा चैनल के माध्यम सेंट्रल गवर्नमेंट ने यही गुजारिश करूँ हाँ कि जड़ा गरीब लोग है सर्वे कियो जाए चाहे उसमें पहाड़ी कबीला आवे चाहे गुजर कबीला आए बकरवाल कबीला आए और जिन्ना भी कबीला है वह तम एक सर्वे करो इकोनॉमिकली बेसिस के ऊपर तम इससे रिजर्वेशन दो सुनो गुजर इसलिए प्रोटेस्ट सर्वे चीज ना कर रहे हैं कि सुनो ना मेरी गल कमीशन रिपोर्ट है सही नहीं है ठीक है जेड़ा गुजर प्रोटेस्ट करे करे उन्हें को करोड़ों रुपए की प्राप्ति है वो दे आप दोबारा बनाई सुनो ना मेरी गल वो दे अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लेने वास्ते अगे निकलिया आज भी तम ना पता होया कि हमारा जेड़ा गरीब लोग है वह उत्ते कुत्ते उन्होंने पता होया कि आज अगर हम इत लड़ांगा तो कल या जेड़ा गरीब गुजरे या हमारा पीछे ही दौड़ेगा तो उन्होंने अपना बेनिफिट लेना अगर उन्होंने कम करना है ग्राउंड के ऊपर अगर गुजरा वास्ते काम करना है या पहाड़ी कबीला वाला लोग है उन्होंने भी हूँ कहूँ अगर तमने काम करना है मिलजुल के एक मूवमेंट चलाओ जिसमें हम हमारा जेड़ा इलाका का गरीब लोग हैं उन्होंने हम ऊपर चका ना के जेड़ा गरीब परिवार के लोग हैं उन्होंने हम दबा गए और पॉलिटिक्स खेला या कदर भी बर्दाश्त नहीं तम भी जिस टाइम गया था तमने भी या कोई मांग नहीं की। देखिए इकोनॉमिक देखो मैं बड़ा बड़ा लोग मेरा तम पुराना इंटरव्यू देखो सब तो पहले मैंने इकोनॉमिकली बेसिस गया ऊपर ही या आवाज चकी थी कि इकोनॉमिकली बेसिस गया ऊपर ही करो फिर कुछ गुजर लोगों ने लोग मिले उन्होंने क्यों कि तुम इस मूवमेंट में शामिल हो ताकि थारो राइट भी मिले और हम एक बराबर हो गए थे किधर आगे आ सकें क्योंकि चंद जड़ा अगर एक ही कम्युनिटी या एक बंदो अगर आगे आतो रहे तो उस समाज को कदे भी बेहतरी नहीं हो सकती। कोई IAS बन गयो कोई मंत्री बन गयो कोई बड़ी गुजर ही था वही गुजर था वही तुमने दस्या करूं कि देखो वह गुजर दे था उन्होंने एक तरफों ले लियो अपनो जो बेनिफिट तो ले लियो वो बन गया आगे बड़ा ओदा ऊपर पूज गया हूँ तुमने यह गल दसूँ कि जोड़ो एस टी को असलदार जो बंदो थो वो गरीब जो गुजर या बकरवाल थो उन्हों वास्ते थी आज तम देखें कि जड़ा बड़ा बड़ा लोग हैं उनका बच्चा अगर कोई दिल्ली पढ़ा है जम्मू पढ़ा है अरजोरी में अच्छा स्कूल में पढ़ा है दे जड़ो मारो गरीब परिवार को जड़ो बच्चो है वो कित पढ़ा है इत मारा मिडिल स्कूल में जा कोई प्राइमरी स्कूल में निका मोटा जित टीचर जाता ही नहीं तुमने भी कई बार मीडिया पर यह गल चकी है उस टीचर पढ़ाने वाला होता ही नहीं ऊन बायोमेट्रिक चली है कम से कम थोड़ा बहुत जान लगे तो ऊँ तमने दसूँ कि वह जड़ी टाइम क्यों पीछे पै गई मैं उत्ते आया करूँ तमने दसूँ पूरी क्लियर करूँ कि देखो जो फायदो थो एक कंपिटेटिव एग्जाम है जो
जो गरीब परिवार को बच्चों है जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा किसी ग्राम जित टीचर होता ही नहीं तो एक एक पास दूजी तरफ को ब्यूरोक्रेट है जो पोलिटिकल लीडर है उसको बच्चों पढ़ा दिल्ली में तो जो जिस टाइम जो कंपिटिटिव एग्जाम है तो वो बच्चों जो आगे निकल जाए तो जो मारो गरीब का बच्चा है वो इतने निकल जाए। मेरा यो कहना है कि जो एसटी है वो एक इकोनॉमिकली बेसिस के ऊपर हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने थारा चैनल के माध्यम हूँ तू कहना चाहूंगा मैं उतने आऊंगा अपना ऊपर भी अपना कबीला ऊपर भी आऊँ। देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैं हूँ यही गुजारिश करूँगा कि तुम एक इकोनॉमिकली बेसिस ऊपर एक क्राइटेरिया बनाओ जित 6 लाख या 8 लाख सालाना जिसकी इनकम है उसने एसटी बिल्कुल भी ना दी जाए ताकि हमारा जरा गरीब परिवार का लोग है चाहे वह पहाड़ी कबीला में आवे चाहे वह गुजर बकरवाल कबीला में आए वह भी उठ गया। दूजी तरफ आज तमने दसूं कि चंद लोगों ने एक तमने के हूं भी गयो इस जड़ी हमारी मूवमेंट हम भी गया देखिए मारो एक यो थो कि हम जाओ उस रैली में जाके अपना जो राइट है वो मंगा राइट काम वास्ते के पहाड़ी कबीला के अंदर भी जरा गरीब लोग है वो भी आज पिछड़े हुआ तुम भी जाने। अगर तुमने उस रैली में या यो जिक्र किधर भी नहीं कियो कि इकोनॉमिकली जड़ी है वह एसटी दी देखो उस टाइम नहीं कियो आज तुमने भी बड़ा बड़ा लोग था आज आज हूं तुमने दसूं कि ठीक है बड़ा तब उत्तम जिस जेड़ा मूवमेंट चलाया करें आज वह करोड़पति है या फिर जेड़ा गुजर बकरवाल कबीला वह भी करोड़पति है या तुम जाने वह किधे ना किधे अपनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनाने वास्ते पब्लिक ना गुमराह कर गए आम ना लड़ाना चाहे हूं तो हमने दसूं कि मारो जेड़ो भाईचारो है तुम भी देखता रहे मैं कदे आज दिन तक किसी के नफरत के लिहाज ना नहीं देखो जिस टाइम मैं देखो कि ये लोग जेड़े फूट पान में आ गए हैं तो मैं इस चीज तू दूर हो गयो चाहे गुजर कबीला का लोग था उसमें शामिल चाहे पहाड़ी कबीला में लोग था शामिल हमने मिलजुल के एक काम करना थो कि हर बंदा ने जो राइट थो वो दितो जाए खासकर जो गरीब एसटी को मतलब ही यो ही थो कि गरीब लोगों ने ऊपर चाहो लेकिन यो काम नहीं हो तो आमने लगे कि यह जो चंद लोग जड़ा चाहे वो पहाड़ी कबीला का वह चाहे गुजर बकरवाल कबीला का हो या हमारा लोगों ने जो अमन थो वह किधर ना किधर मैंने लगे कि यह खस्ता हालत उसकी होने लगी है। अगर गुजर कबीला के लोग चढ़ा है अपना हक की खातिर कि जीडी कमीशन की रिपोर्ट जड़ी है वह सही नहीं गई तो उसके ब्रेक्स वे एहतजाज कर रहे हैं तो उसमें मुश्किल के नजर आ देखिए जीडी कमीशन की जड़ी रिपोर्ट है वो जीडी कमीशन देखेगी सेंट्रल गवर्नमेंट वैसी भी है उसमें पता चलेगा कि है वाकया में इन पहाड़ी कबीला के लोगों में भी जड़ा लोग है पिछड़ा हुआ है नहीं बाद उन्होंने देखनी है। देखो उसके बीच अगर वो अगर राइट किसी ने अगर हम इत दो वैसा दो पाई हाँ ठीक है तुम भी पहाड़ी बोले ओम ही गोजरी बोलूँ आम बहस के एक ना अगर 4 रोटी लभे तो दूजा ना लभे एक रोटी भी ना नसीब है देखो किधे ना किधे जायती थी पहाड़ी लोगों नाल भी लेकिन आज जड़ी है रिजर्वेशन कंप्लीट होने तो बाद पोलिटिकल भी आम लोग जड़ा अगे नहीं आ सकता किधे ना किधे जड़ा लोग नफरती लोग हैं उनमें तमना पता ही है बखूब उन्होंने ना नहीं लेना चाहते आज तमने दसू कि हमारा इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितना बड़ा लीडर है चौधरी जुल्फकार साहब एक मन्नी भी शख्सियत है तुमने कोई बयानबाजी देखी मियां ताब साहब जरा गुजर प्लस पहाड़ी प्लस बकरवाल कबीला का एक महनाज शख्सियत है उन्होंने हम भी बना लेकिन उन्होंने बयान उन्होंने भी कहो कि अगर किसी ने राइट बराबर मिला है तो मिलना चाहिए लेकिन चंद लोग जरा ये आगे आगे खाली अपनी इन्फ्लुएंस बनाने वास्ते कि हम गुजर का लीडर हैं हम पहाड़ियों का लीडर हैं तुम कितू आ गया तुम खाली नफरत फैलाने वास्ते समाज में बैसे हुए अगर तुम समाज में जोड़ नहीं सकता तो तोड़ो मत। मैं थारा चैनल के माध्यम में यही गुजारिश करूं उन्होंने कि हमारा समाज में मत तबाह करो इस 70 साल अमन रहे हो आज मैंने लगा कि हमारा जो जोरी पुंछ खासकर है जो कितो है इसमें जो नफरत की एक लहर दौड़ा करे जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत साहब तुम अपने ओपिनियन रखे बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी भी गुजारिश है कि अगर एसटी स्टेटस एसटी ने मिले थो तो अगर इकोनॉमिकली बेस कोई डिसाइड करे वो सरकार ही कर सके कि अगर पहाड़ी कबीला में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी का रिलीजन के अंदर या कास्ट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा गरीब है तो उसना अगर स्टेटस दितो जाए और जड़ा लोग ऑलरेडी इस लाइक है तो उनको स्टेटस उन्होंने ना मिले और या सरकार ही डिसाइड कर सके कि
क्या वाकई इस चीज़ में कोई तरमीम हो सके या नहीं हो सकती, या एक अलग गल है कि पहला एक बारी इसी तरह जो है स्टेटस ना ले गए पूरा इंडिया में एक मोमेंट चली थी और इंडिया में बहुत ज़्यादा तबाही भी मचाई गई थी और बहुत ज़्यादा नुकसान किए गए थे, जबकि उसके बाद जी सरकार ने या किसी भी स्टेट या रिजर्वेशन ना छेड़खानी नहीं की थी। उन्होंने मांग करनी है, हूँ दोनों पार्टियां ना कहूँगी अगर तुम मांग करना चाहे, मैं इसे गलो पीछे पीछे छोड़ देता हूँ इन्होंने, अगर तुमने मांग करनी है मिलजुल के इकोनॉमिकली बेसिस ऊपर लड़ो, इन गरीबां लोगों वास्ते लड़ो के जो गरीब लोग ग्राम है उन्होंने ऊपर चको तो तम तू मनु अपना बेनीफिट वास्ते तम लोग यो नंगो नाच ना करो। और इनको यो कहना है कि जड़ा भी पहाड़ी कबीला के अंदर या गुजर कम्युनिटी के अंदर जड़ा आला लोग है उन्होंने यो सोचना पेगो कि अगर कई रिपोर्ट बने तो वह इस तरह होनी चाहिए ताकि इकोनॉमिकली डिसाइड किया जा सके, वे किसी भी कम्युनिटी ना तलक रखें, वे किसी भी कास्ट ना तलक रखें, वे किसी भी रिलीजन ना तलक रखें, अगर इस तरह का कुछ लोग हैं जरा इकोनॉमिकली बहुत वीक है उन्होंने ऊपर लियान वास्ते समाज में या कोशिश की जा सके कि उन्होंने रिजर्वेशन मिले और उन्होंने बराबरी मिले, जड़ा लोग ऑलरेडी बेनिफिट ले चुका है और वे आला सतह पर पूजे हुए ताकि उन्होंने ना भी मिले वो तो कोई प्रॉब्लम वाली गल नहीं। तो लिहाजा ईश्वर सरकार जड़ी है बस सोच सके और यो अगर फैसलों की हो जाए तो वो सरकार का आता है। हमारा पूरा जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुरजोर एहतियात चल रहे हो है जिसमें गुजर कम्युनिटी का लोग जुड़ा है इस वक्त सड़कों के ऊपर हैं और उन्होंने अपनों एहजाज जो है वो कंटिन्यू साइड की हो जाए। अब यह सरकार को फैसला हुआ सरकार इस पर के करेगी वो हम सब देखेंगे कि सरकार इस पर बेहतरी लिया सके या नहीं। इसी के नाल अपना ज़हीर गोरसी ने दियो इजाजत और तम अगर हमारा फेसबुक पेज ना देख रहे हैं तो इसना फॉलो कर लियो, अगर यूट्यूब पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलियो ताकि थारी हर ताज़ा खबर थार तक पहुँचती रहे, उस वास्ते एक बेल आइकन है उसने भी दबा लियो।